एक वेजिटेरियन डाइट फुल डे वेजिटेरियन डाइट वेट लॉस के लिए क्या होनी चाहिए। फुल डे वेजिटेरियन डाइट के लिए सबसे पहले आपको अपनी कैलोरीज निकालनी होगी कि आपको टारगेट कितनी कैलोरी लेनी है। आप नॉन वेज हो या वेज हो, आपको कैलोरीज डेफिशिट में जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिशिट के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जो रेकमेंडेड है कि आप अपने वजन को किलोग्राम में जो वजन है उसको 28 से मल्टीप्लाई करें, 28 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नंबर आएगा उतनी कैलोरीज आपको लेनी है, खत्म। उतनी कैलोरीज आपने ली तो आपका कैलोरी डेफिसिट वो रहेगा इतना कि आपका हर हफ्ते में 1 पाउंड यानी आधा किलो वजन कम होगा। ये सेफ लिमिट है, ये सेफ लिमिट है आधा किलो वजन कम करना, आधा किलो से 1 किलो एक एक वीक में। मैं फैट लॉस की बात कर रहा हूँ, मैं वाटर लॉस की बात नहीं कर रहा, मसल लॉस की बात नहीं कर रहा, फैट लॉस होगा। 1 किलो आधा किलो फैट लॉस बड़ी बात होती है, लंबे समय में बहुत फायदा देगी। सबसे पहले अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करिए। अब नॉन वेज वाले अपनी कैलोरीज पूरी करेंगे। जो भी कैलोरी आपकी आई, मान लीजिए आपकी कैलोरी आई है 2000, आपकी कैलोरी आई है 1500, आपकी कैलोरी आई है 1200, तो उस पूरी कैलोरीज 1200 कैलोरीज में आपको कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन और कितने फैट खाने हैं यही डिसाइड करना है। और फिर जो जो दिन भर में खाते हैं उससे कितना कार्ब्स, कितना फैट, कितना प्रोटीन ये मालूम करना है। बहुत इजी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो आपने क्या करना है, एक रेशियो मेंटेन करना है। रेशियो मतलब चाहे आपकी 1200 कैलोरीज है, 1500 है या 2000 है, कार्ब प्रोटीन और फैट का एक रेशियो होना चाहिए। वो रेशियो मेंटेन करेंगे तो बहुत इजी होगा। प्रोटीन 1, कार्ब्स 2, फैट 1/2, ये रेशियो रखना है आपने। अगर आप इसको रखोगे, प्रोटीन 1, कार्ब्स 2, फैट्स 1/2, इतना रेशियो, इसका मतलब अगर 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो रोज तो 200 ग्राम कार्ब्स खाइए और 50 ग्राम फैट खाइए। ये अगर आप डाइट रखोगे तो आपका वजन कम होते जाएगा, ओबेसिटी का नामो निशान खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक। लेकिन इसको प्रोग्रेसिव आपको डेफिसिट करना है, तो प्रोग्रेसिव डेफिसिट आप 1-2 महीने ये डाइट खाएंगे, उसके बाद 1-2 महीने के बाद आप 100 ग्राम प्रोटीन की जगह आप क्या करेंगे, कार्ब्स कम करेंगे, प्रोटीन नहीं कम करेंगे, अब प्रोटीन उतना ही रखेंगे। प्रोग्रेसिव डेफिसिट में आप कार्ब्स को 10 ग्राम 20 ग्राम हर महीने कम करते जाएंगे, फैट को और कम नहीं करेंगे, कार्ब्स कम करते जाएंगे जब तक 1:1 नहीं होता, और उस डाइट पे जाएंगे जहां 1 प्रोटीन 1 कार्ब और 1/2 फैट आ जाएगा, तब आपका मोटापा खत्म, लीन बॉडी, एकदम मस्कुलैरिटी आएगी। उसको हर एक एक महीने में करेंगे 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम, तो कम होता जाएगा। बहुत जोरदार बेसिक है ये डाइट का, ये समझ लिया तो सब समझ लिया। ये वेज के लिए भी मायने रखेगा, नॉन वेज के लिए भी मायने रखेगा। वेट लॉस में अगर आपको इसमें पता नहीं है कि कौन सी चीज में कितने कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है, कितना ये है, तो एक ही चीज डाउनलोड करनी है, IFCT, इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल 2017, IFCT 2017 जो आप डाउनलोड करेंगे, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, ये इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू डाली हुई है, इंडियन ऑथेंटिक डेटाबेस है। इसमें आपको पता चलेगा कि कच्ची चीजों में, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ या आटा, चावल, दाल, रोटी और सब्जी भाजी, धनिया अदरक, हर चीज में कितना क्या, स्पाइसेस से लेके फ्रूट्स तक, और हर चीज में कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना क्या है, बहुत आसानी से समझाया गया है। आप इसको देख के आराम से समझ सकते हैं। अगर इसको समझने का वीडियो चाहिए तो वीडियो साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हमारे मौजूद है, वो आप सीरीज देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप डाइट खाएंगे तो आपका वजन हमेशा कम होगा ही होगा, नो डाउट।